हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बेबी बॉय के सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि हमें प्रूफ दिखाइए, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि दीदी, जो आपके सिम्टम्स थे हमारे साथ मैच हुए और हमको भी जो है बेबी बॉय हुआ है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी बॉय के कुछ ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो कई हद तक आपको पता लगाएगा कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, माँ बाप कभी भी बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं। अगर उनके पास पहली संतान बेटी होती है तो वो सेकंड नंबर पे ये सोचते हैं कि हमारा जो है एक बेटा हो जाए। अगर उनके पास फर्स्ट नंबर पे अगर बेटा होता है तो सेकंड टाइम जब वो गर्भवती महिला होती है तो वो ये सोचती है कि मेरी जो है एक बेटी हो जाए और हमारी जो है वो फैमिली कंप्लीट हो जाए। बेटा और बेटी, हम हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, हमारी फैमिली जो है चार जनों की कंप्लीट हो जाए ताकि कोई भी त्यौहार जो है वो एक दूसरे का ना रुके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ये करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। सबसे पहला लक्षण ये है फ्रेंड्स, जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो एक से लेकर तीन महीने के बीच में आपने देखा होगा कि आपके मुंह में से, मतलब कि मसूड़े में से, जब आप ब्रश करते हो और मसूड़े में से अगर आपको ब्लड आ रहा है हल्का फुल्का, और आपके जो है मतलब कि हल्का फुल्का जो है ना आपके दांत में भी दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी ना और जब मुझे बेबी बॉय हुआ था, तब मेरे ये थोड़े से सिम्टम्स थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक से लेकर तीन महीने के बीच में, मतलब कभी भी ना, मेरे जो विदाउट प्रेगनेंसी रही थी उस टाइम पे जो है मेरे, कभी भी जब मैं ब्रश करती हूँ सुबह के टाइम पे जब हम ब्रश करते हैं, कभी भी मुझे ब्लड की जो है प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मसूड़े में से जो है हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बट फ्रेंड्स, आपने और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी भी होंगी कि जिन महिलाओं को एक से लेकर तीन महीने के बीच में मुंह में से, मतलब कि जब हम ब्रश करते हैं, अगर आपको हल्का फुल्का ब्लड आता हुआ नज़र में आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं लक्षण वो होते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा। सेकंड सिम्टम्स ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोते हैं और वो आपको लेफ्ट हैंड करवट जो है बहुत ही कम्फर्टेबल लगती है और बहुत ही ईजीली आप सो जाते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कहा जाता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिन महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है तो उनको जो है लेफ्ट करवट सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, कहा भी जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट करवट ही सोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहती है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और बच्चे को मिलने वाला सारा न्यूट्रिशन माँ की तरफ से वो अच्छे फ्लो में पहुंचता है। बच्चे को जो खून पहुंचना होता है वो भी अच्छे तरीके से जाता है और प्लेसेंटा भी जो है बच्चे के लिए अच्छा कार्य करता है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको लेफ्ट बोल दिया तो आपको लेफ्ट ही सोना है, आप अपनी करवटों को भी बदल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स ये है फ्रेंड्स कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपके जो फेस है, बहुत जगह आप बोला जाता है, देखिए फ्रेंड्स, कि अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, आपके फेस पे जो है बहुत ज़्यादा चमक आ गई है, बहुत ज़्यादा रौनक आ रही है फेस के ऊपर, तो कहा जाता है कि जब आपके गर्भ में बेबी गर्ल होती है ना तो ये रौनक आती है आपके फेस के ऊपर, और जब आपका फेस जो है वो डल हो जाता है, काला पड़ जाता है, झाइयाँ हो जाती है, तो आपके गर्भ में जो है बेबी बॉय होता है। बट फ्रेंड्स, ये बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जब हमारे पेट में लड़की होती है तो लड़की की छाप जो है वो हमारे फेस के ऊपर दिखने लगती है, इसलिए हमारा फेस का जो कलर है वो गोरा हो जाता है, फेस पे जो है एक अच्छी सी रौनक हो आ जाती है और हमको कोई भी फेस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी महिलाओं में तो सटीक बैठा है लक्षण, बट ये लक्षण जो है ना मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरे अंदर सटीक नहीं बैठा है, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव की थी तो मेरे फेस के ऊपर ग्लो था, मेरे फेस के ऊपर कोई भी पिंपल्स वगैरह नहीं आए थे और एंड मोमेंट तक, 9th मंथ तक मेरे कोई भी फेस पे झाई वगैरह नहीं आई थी और ना ही डार्क सर्कल हुए थे और मुझे भी बेबी बॉय हुआ था। तो इससे आप कई हद तक अंदाज़ा ये लगा पाएंगे
कि हर एक जो औरत होती है उनके सिम्टम्स जो है वो अलग अलग होते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे साथ जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं ना वो ऐसे लगता है कि बेबी बॉय के हैं, आखिर में क्या होता है कि गर्ल हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ये सिम्टम्स है ना फ्रेंड्स वो हर एक महिला के साथ ऐसा नहीं है कि 100% जो है वो आपको इससे पता लग जाए। देखिए 70 या 80% तक आपको अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि जब गर्भवती महिला प्रेग्नेंट होती है ना एक महिला, तो वो जो ये लक्षण होते हैं उनके साथ वो ये जानना चाहते हैं कि ये लक्षण जो हो रहे हैं ना वो बेबी गर्ल के हैं या बेबी बॉय के हैं। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनको देख के हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत सारे आइडिया लगाते हैं। वो एक और आइडिया उसमें से ये लगाते हैं कि अगर आपके पेट का निचला हिस्सा वो उभरा हुआ नज़र में आता है और फैला हुआ नज़र में आता है, तो कहा जाता है कि होने वाली संतान जो है वो एक लड़की होगी। अगर आपका नीचे का पेड़ों का एरिया पेड़ों का जो एरिया होता है वो अगर चौड़ा है और चपटा नहीं है, तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। वहीं पे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि अगर आपकी नाभि के ऊपर का हिस्सा जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा हलचल महसूस होती है और वहाँ का जो एरिया है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र में आ रहा है, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके पेट का ऊपरी वाला हिस्सा ना ज़्यादा निकल रहा है या फिर नीचे की साइड ज़्यादा निकल रहा है। फ्रेंड्स आपने बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को देखा होगा जिनके हिप्स बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि इसका बच्चा जो है वो पीछे की साइड है। तो फ्रेंड्स जिन महिलाओं के ज़्यादा हिप्स निकलते हैं उनको कहा जाता है कि बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और जिनके पेट का निचला हिस्सा मतलब कि अगर आपको किसी भी गर्भवती महिला को पीछे से देखा जाए और उनको ये पता नहीं लग रहा है कि ये महिला जो है ना प्रेग्नेंट है और हल्का सा पेट जो है उनका आगे को निकल रहा है छोटा सा ही, तो कहा जाता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स ये लक्षण जो है ना मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। और ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी जो बॉडी पे चर्बी जो है, बहुत सारी महिलाओं का आपने देखा होगा कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है, वो औरत जो है ना बिल्कुल फैटी सी लगने लगती है, मतलब कि बिल्कुल गोल मटोल सी लगने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ये कंडीशन हो रही है कि आप चारों तरफ से गोल मटोल हो रहे हो और आपकी जो चिन है जो आपके थोड़ी का मतलब क्या बोलते हैं चिन के जो नीचे का एरिया होता है अगर वो भी बहुत ज़्यादा आपको दिखने लग गया है ऑल ओवर, तो कहा जाता है कि जब आपका जो मतलब कि फैटी जब आप हो जाते हो आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कहा जाता है कि होने वाली संतान जो है वो एक बेबी गर्ल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, वेट गेन मतलब जो आपके चर्बी का वेट गेन हुआ है। ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स वेट गेन होना अच्छी बात होती है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आपकी ये नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो है वो परेशानी ला सकता है। क्योंकि अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी का मन है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अपने वेट के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा वेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि बहुत सारी महिलाओं के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं और मैंने अभी रिप्लाई नहीं दिया है, और 2-3 दिन से जो है ना मेरी वीडियोस भी नहीं आ रही है क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता ही है कि आई फ्लू जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मेरे भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे बच्चे को भी जो है आई फ्लू हो रखा है, तो इसलिए मेरी वीडियोस जो है वो नहीं आ पा रही है टाइम से। जैसे ही हम लोग ठीक हो जाएंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, तो मेरी प्रॉपर तरीके से जो है वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मैसेज का जो है रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। कोशिश करूंगी आज रिप्लाई देने की सबको, और अगर आज नहीं दे पाई तो डेफिनेटली कल आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेके फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना ताकि मैं आपकी बातों के ऊपर जो है अच्छी सी एक वीडियो बना सकूं। और अगर आपको की बात जो है वो एक कमेंट के थ्रू आपको आंसर देने की हुई तो मैं आंसर भी ज़रूर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए कि इस महीने में
देखिए अमावस्या आने वाली है, तो अमावस्या के टाइम पे आपको बेटा होता या फिर एक बेटी होती है तो प्रॉपर वीडियो इसकी आने वाली है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में होने वाली संतान क्या हो।